हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जो भी यूट्यूब वीडियो अपलोड करते हैं तो उनकी जो ऑडियो क्वालिटी है उसमें जो नॉइस डिस्टर्बेंस है आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसके विजुअल्स जितने इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि जो स्क्रीन पे दिख रहा होता है वो जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट उसका ऑडियो होता है। तो जैसे कई बार हम वीडियो तो बहुत अच्छा बना लेते हैं लेकिन जब उसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें साथ में नॉइस डिस्टर्बेंस रिकॉर्ड होता है। ये डिस्टर्बेंस किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि आपके रूम में फैन चल रहा हो, बाहर से कोई साउंड कंटिन्यू आ रहा हो, या फिर जो इलेक्ट्रिक हम्बिंग की नॉइस है जो रिकॉर्डिंग के दौरान कंटिन्यूसली स्टार्ट से एंड तक सुनाई देती है, तो आप उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले याद रहे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और सब्सक्राइब करने के बाद में जो ये बेल साइन अपीयर हो इस पे जरूर से क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो की जानकारी एज ए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ उस सॉफ्टवेयर के बारे में जो आपको फ्री अवेलेबल होगा और उससे आप आसानी से अपने ऑडियो की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर का नाम है ऑडोसिटी। तो इसके लिए आप अपने ब्राउजर में सर्च कीजिए ऑडोसिटी, उसके बाद में एंटर प्रेस कीजिए। तो ये जो पहली वेबसाइट है www.audacityteam.org, आप इसे ओपन कर लीजिए। जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको कई ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि हमें विंडो के लिए डाउनलोड करनी है तो जो पहला ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो भी फाइल वर्जन्स इसके अवेलेबल हैं, जैसे जिप फाइल है, इंस्टॉलर है, वो सब यहाँ शो हो रहे हैं, तो हमें इंस्टॉलर डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको सर्वर सेलेक्ट करना है तो आप फर्स्ट सर्वर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, आप नीचे देख रहे हैं मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। ये 25.9 MB का है तो आपको इसे पूरा डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद में इसे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो जब आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद में आपको इसे ओपन कर लेना है। इसका आइकन कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। अब इसे ओके कर दीजिए तो जो फर्स्ट अपीयरेंस है आपके सॉफ्टवेयर का वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो अब मैं आपको एक सैंपल रिकॉर्ड करके और आपको ये बता देता हूँ कि किस प्रकार से नॉइस डिस्टर्बेंस साथ में अपने आप रिकॉर्ड होता है और उसे आप किस प्रकार से रिमूव करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है। तो सबसे पहले तो हम इसे एक नॉर्मल फॉर्म में ले आते हैं। इसके लिए सारे ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद में आप ऊपर के ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन होगा इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में इस लिस्ट में आप देखिएगा नॉर्मलाइज, तो इस पर क्लिक करते हैं। फिर आपको इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आप जस्ट ओके प्रेस कीजिए तो आपकी जो साउंड वेव है वो नॉर्मल ऑडियो में कन्वर्ट हो गई है। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। तो जैसे कि आपने देखा कि जो मेरा ऑडियो तो रिकॉर्ड हुआ ही है, साथ में जो इलेक्ट्रिक हम्बिंग की जो नॉइस है, ये वाला जो पोर्शन है जिसे आप सुन पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक हम्बिंग की नॉइस है, तो इसे भी हमें रिमूव करना होता है। तो इसे रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो आप एक चीज का ध्यान रखें, आप जब भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करें तो रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले आप थोड़ा गैप दीजिए, जिससे कि जितनी भी अनवांटेड नॉइस है वो पहले रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो जैसे यहाँ जो हम्बिंग नॉइस थी वो पहले रिकॉर्ड हो गई, तो इस पोर्शन को आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद में आपको इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में आप नीचे देखेंगे तो एक ऑप्शन होगा नॉइस रिडक्शन का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको जो ये पोर्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है इसकी एक प्रोफाइल लेनी है, तो इसके लिए आप गेट नॉइस प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में आप फिर से पूरा ऑडियो सेलेक्ट कीजिए, इफेक्ट पर क्लिक कीजिए और जो सेकंड ऑप्शन है रिपीट नॉइस रिडक्शन, इस पर क्लिक कीजिए। आप कंट्रोल आर का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, आपने देखा ये जो हम्बिंग नॉइस थी, ये वाला पोर्शन था, वो थोड़ा कम हो गया है। तो मैं आपको अब एक बार फिर से प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी जो नॉइस डिस्टर्बेंस था वो कुछ हद तक कम हो गया। अगर आप और ज्यादा रिमूव करना चाहते हैं तो आप फिर से जो ब्लैंक ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए, फिर से इफेक्ट पे क्लिक कीजिए, नॉइस रिडक्शन, गेट नॉइस प्रोफाइल, उसके बाद में पूरा ऑडियो सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट और रिपीट नॉइस रिडक्शन। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हैं मेरा जो ये वाला पोर्शन है वो बिल्कुल रिमूव हो चुका है। मैं प्ले करके दिखाता हूँ, कोई साउंड नहीं है इसमें। अब सारे ऑडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में।
तो इस प्रकार आप बड़ी आसानी से अपना जो ऑडियो है उसका जो डिस्टर्बेंसिंग नॉइस है उसे रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में आपको अपनी ऑडियो क्वालिटी मैनेज करनी है, तो इफेक्ट्स में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, तो आप पूरे ऑडियो को सिलेक्ट कीजिए, इफेक्ट्स में जाइए, आप यहाँ पे इसे एम्पलीफाई कर सकते हैं, ऑटो डक कर सकते हैं, इसका जो बेस है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, पिच चेंज कर सकते हैं, स्पीड चेंज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन जो एक ऑडियो एडिटर में होने चाहिए वो इसमें आपको अवेलेबल होंगे। तो मैं आपको कुछ सिंपल ऑप्शन शो कर देता हूँ। जैसे इक्वलाइजेशन में जाते हैं हम, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपके जो ऑडियो है उसका जो कर्व है वो आपको शो होगा, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसमें अपनी आवाज़ में थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए। तो मैं आपको ये सेटिंग करके प्रीव्यू दिखा देता हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। तो जैसे आपने ये सेटिंग की उसके बाद में आप इसे ओके कर दीजिए, तो ये सेटिंग आपके पूरे ऑडियो पे अप्लाई हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में। तो इस प्रकार से आप अपनी आवाज़ को जैसे चाहें चेंज कर सकते हैं, और जो आपने इक्वलाइजेशन में जो सेटिंग्स अभी की हैं जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है, तो आप जो भी एक परमानेंट चेंज करना चाहते हैं आप उसे सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पहले से जो सेव्ड ऑप्शन है इसमें वो भी शो होंगे, जैसे AM रेडियो है, बेस बूस्ट है, बेस कट है, इस प्रकार के ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो आप इनमें से भी कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद आप अपने ऑडियो को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसे एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल। अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब आपके ऑडियो की जो एडिटिंग है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद में आप फाइल्स पे जाएंगे, उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑडियो पे क्लिक करेंगे, तो जो भी लोकेशन आपको सेव करनी है उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना जो फाइल नेम है वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप आर्टिस्ट नेम, टाइटल ट्रैक, जो भी आप फिल करना चाहें फिल कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं फिल करना है तो आप सीधे ओके पे टैप कीजिए और आपका जो ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये जो सॉफ्टवेयर है वो लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री है, और आप इंटरनेट पे कहीं भी सर्च कीजिए ऑडियो एडिटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर्स में से Audacity बेस्ट सॉफ्टवेयर है। तो आप इसे यूज कीजिए, और अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल साइन पे जरूर से क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो की जो जानकारी है वो एज ए नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।